प्यारे बच्चों, आगे हम समांतर चतुर्भुज में कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। हमारे पास समांतर चतुर्भुज में भुजाएं हैं, विकर्ण हैं और कोण हैं। उन्हीं तीनों आधार पर क्वेश्चन आएंगे, तीनों आधार के क्वेश्चन देखेंगे। पहले कोणों के आधार पर देख रहे हैं कि इस प्रकार का प्रश्न मेरे पास आ सकता है। पहला ये है, दूसरा ये है, उसको बाद में देखेंगे। कि एक कोण दिया है और उस कोण से हमें बाकी के जो तीनों कोण है समांतर चतुर्भुज के, वो ज्ञात करना। अब जो पहला कोण दिया है उससे हम कौन सा कोण ज्ञात कर सकते हैं? एक्स ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में यदि कोणों में जाएं तो नियम हमारे पास, पहला नियम क्या होता है, दूसरा नियम जो मैंने लिखवाया था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुखीय मतलब एक्स बराबर कितना हो गया, 110 डिग्री। और यहां कारण देना पड़ेगा क्या कि समांतर चतुर्भुज के आगे सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। दे दिया कारण, तो x आ गया मेरे पास। अब x निकल गया 110 डिग्री। यहां से मैं y भी निकाल सकता हूं, यहां से मैं z भी निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं तीसरा नियम लियूं जो हमने कल किया था कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, संपूरक आसन कोण संपूरक। संपूरक मतलब y जमा 110 डिग्री का जोड़ किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। इसका कारण क्या देंगे कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं का मतलब उनका जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री आता है हमारे पास। ठीक है, अब यहां से y का मान हम देखें, 110 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री। y 70 डिग्री आ गया मेरा। अब z निकालेंगे ना, y और z ये भी समान है, y z बराबर किसके आ जाएगा, y के। क्यों? कारण क्या देंगे, ये पहले वाला समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये लिखना पड़ेगा पूरा आपको, यहां लिख देना। तो z बराबर y कितना आया था, 70 डिग्री। अब हमारे पास सारे के सारे कोण यहां से निकल चुके हैं। हाँ, एक कोण दिया था, बाकी तीनों कोण आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, एक इस प्रकार से भी आ सकता है। जेड आप आसानी से निकाल सकते हैं, आसन कोण है, इसी नियम से जेड के बराबर वाई हो जाएगा। लेकिन बात रहेगी एक्स पे, ये वाला कोण निकाल लेंगे, ये कैसे निकाल लेंगे, ये वाला कोण कैसे निकालेंगे हम, ये वाला कोण और वाई कोण है, इसको आप ध्यान से देखें, ये क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण भी समान होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर मिलेगा। यदि ना निकले तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे, कोई यदि दूसरे तरीके से लें तो इसको कोई भी मान ले, हम इसको पी कोण मान लेते हैं, पी। तो समांतर चतुर्भुज में पी किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के बराबर। क्यों? कारण क्या देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, पी 60 आ गया। अब पी और एक्स दोनों का जोड़ किसके बराबर है, पी जमा एक्स कितने बराबर है, 180 डिग्री के। क्यों, क्या बना रहे हैं, ये रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। यहां से भी हम इसको निकाल सकते हैं, तो पी का मान तो 60 आया था, 60 डिग्री जमा एक्स बराबर है 180 डिग्री। तो एक्स यहां से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एक्स मेरे पास से आ गया 120 डिग्री, एक्स 120 डिग्री आ जाएगा। और ये तो निकालना इसी प्रकार से आपको बताई है। तो कोणों से संबंधित तो ये प्रश्न आ सकता है, अब भुजाओं से संबंधित देखते हैं। भुजाओं से संबंधित और विकर्णों से संबंधित हमारे पास इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। आप ये देखें कि एक भुजा आपको चरों में दी हुई मिलेगी, दूसरी सीधा अंकों में दी हुई मिलेगी। आप सीधा लिख देंगे कि एक्स जमा 3 किसके बराबर है, 12 के बराबर। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। और 2y - 1 किसके बराबर है, 15 के। तो पहले एक ले लेते हैं, x जमा 3 किसके बराबर है, 12 के बराबर। और यहां क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं इतने से भी काम चल सकता है और समान होती है भी लिख दें तो और अच्छा है। भुजाएं का मतलब सीधा हो गया, समांतर चतुर्भुज भुजाएं तो समान ही होंगी। तो x बराबर यहां से कितना हो गया, 12, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, 9। सेंटीमीटर में देर का तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर में देर का तो मीटर आ जाएगा, किलोमीटर देर का तो किलोमीटर आ जाएगा, ऐसे ही देर का तो ऐसे ही आ जाएगा।
अब दूसरा 2y माइनस एक किसके बराबर आ जाएगा 15 के। यहां पे भी आपको बिल्कुल यही चीज लिखना है, मैं समय की बचत के लिए नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको जरूर लिखना है, ठीक है। अब 2y यहां पे 15 प्लस का 1 हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो गया 15 और 1 16, और y बराबर कितना हो गया 16 बटे 2, 2 एक 2 2 8 16 कितना आ गया 8, y कितना आ गया 8। एक इस प्रकार से प्रश्न भी हमारा हो सकता है। और प्रश्न हमारा किस प्रकार से हो सकता है, ये विकर्णों के आधार पे। अब यहां पे यदि देखूं कि विकर्ण यहां पे काट रहे हैं तो जितना भाग इधर बच गया इतना ही भाग इधर बचेगा, जितना भाग इधर बच गया उतना ही भाग इधर बचेगा विकर्ण का, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजन करते हैं। तो अभी मैं पहले एक चर वाला लूंगा, इसके अंदर दो चर है, दो चर वाला नहीं एक चर वाला लेना है, एक्स माइनस 2 बराबर कितना 3। कारण क्या देंगे कि समांतर समांतर कारण क्या देंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहां से x का मान 3 जमा उधर 2 के हो जाएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 5, बिल्कुल आसानी से। अब दूसरा भी ले लेते हैं, x जमा y जो विकर्ण है आधा बचा हुआ उसका दूसरा भाग कौन सा है 14 है। यहां से भी बिल्कुल ऐसे कैसा ही ये चीज लिखनी है, क्या लिखनी है पता है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समय की बचत के कारण मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है। x का मान हमारे पास क्या आ गया 5, y बराबर 14 है, और y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 14 और 5 उधर जाके माइनस का, y बराबर कितना आ गया मेरे पास 9। इसका भी इसी इकाई यदि सेंटीमीटर दे रखिए तो सेंटीमीटर में लिखना है, मीटर दे रखिए तो मीटर में। समांतर चतुर्भुज में इसी तरह के ही सवाल आपके पास आएंगे। आशा करता हूं कि भुजाओं से संबंधित, विकर्णों से संबंधित और कोणों से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे समांतर चतुर्भुज के। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।